दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हम आज भी त्रिकोणमितीय समीकरण पर आधारित क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालें। तो चलिए इसको हल करते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री सवाल में दिया है। इसको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों पर हल करेंगे। ऊपर वाले कोसी प्रकार लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो एक इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कोस स्क्वायर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसका भी साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो देखिए एक कट गया एक मत में, ए भी एक मत में कट गया तो बच गया 1/1, यानी कि 1 से 1 मत एक मत में डिवाइड लग गया तो 1 इसका आंसर हुआ। हम एक और सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री इसका भी हमें मान ही निकालना है। हम इसको भी त्रिकोणमितीय के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय के सूत्रों पर ही सॉल्व करेंगे। साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री हम इसको उसी प्रकार लिख देंगे साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इसका हो जाएगा साइन 65 डिग्री और इसका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा यानी इसका हो जाएगा कोस 25 डिग्री। अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री का हो जाएगा 1/cos 65 डिग्री इंटू 1/sin 25 डिग्री। तो देखिए कोस 65 से कोस 65 कैंसल आउट हो जाएगा और साइन 25 से साइन 25 कैंसल आउट तो बच गया 1 × 1 यानी 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
sec a plus tan a into 1 minus sin a बराबर है एक नंबर में ऑप्शन में दिया है sec a और बी में दिया है sin a और सी में cosec a और डी में है cos a। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल में है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसका हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस टेन थीटा का हो जाएगा साइन ए, टेन ए का साइन ए बटा में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हम cos a का लसन निकालेंगे तो cos a हो जाएगा और cos a ऐसे cos a एक मत में डिवाइड लग जाएगा तो एक से एक में गुणा करेंगे तो 1 और इसका भी एक मत में डिवाइड लग जाएगा तो sin a से गुणा करेंगे तो sin a हो जाएगा sin a इंटू 1 माइनस sin a। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दिया था कि एक प्लस साइन ए बटा में कॉस ए और एक माइनस साइन ए इंटू में दिया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर आधारित है तो उसको हम इस प्रकार लिख लेंगे एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बाई कॉस ए, उसका हम लसन निकाल दिए कॉस ए, तो ए हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है बाई कॉस ए है, तो हम कॉस स्क्वायर ए को यानी कि इसमें डबल पड़े तो कॉस ए को कॉस ए गुणे कॉस ए लिख सकते हैं बाई कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस ए, यानी कि डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्लस टेन स्क्वायर ए बाई एक प्लस कोट स्क्वायर ए, तो एक प्लस टेन स्क्वायर ए का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और कोट एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तो एक को सेक स्क्वायर ए को एक बाई कोस स्क्वायर ए हो जाएगा फॉर्मूले पर और कोसेक स्क्वायर ए का एक बाई साइन स्क्वायर ए, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे एक बाई कोस स्क्वायर ए और गुणा करेंगे तो ए साइन ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाई वन, वन से वन कट जाएगा तो बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, तो इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर है एंड इसका मान टेन स्क्वायर है। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटा में 2
टू कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो हमें इसको सीट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बाई टू कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा, कि हम उसको साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई कोस थीटा इंटू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा और एक से गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और टू साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा में गो तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा और टू कोस स्क्वायर थीटा में गुणा हो तो टू कोस क्यू थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा से और कोस ए वन में गुणा होगा तो कोस थीटा हो जाएगा। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको उसी प्रकार लिख देंगे, कोस थीटा इन बड़ा कोस टू इंटू कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। हम ऊपर वाले को उसी प्रकार लिख देंगे, साइन थीटा इंटू एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा इंटू टू से वन में गुणा होगा तो टू हो जाएगा, और टू से साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो टू साइन स्क्वायर थीटा, और एम माइनस वन है कोस से बाहर है तो इसलिए हम इसके ऊपर नहीं गुणा करेंगे। तो ये हो गया। अब ऊपर वाले को उसी प्रकार लिख देंगे, साइन थीटा इंटू एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा इंटू, देखिए टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा से एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो बच जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। एक साइन थीटा बाई कोस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड। हमें सॉल्व करके राइट में ही रहना था तो इसका आंसर हुआ। तो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में है कि टेन थीटा बाई एक माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई एक माइनस टेन थीटा इक्वल एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कि टेन थीटा बाई एक माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई एक माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा का हो जाएगा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, और एक माइनस कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। प्लस का चाहिए तो प्लस होगा, कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, और एक माइनस साइन
टेन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम ऊपर वाले को उसी प्रकार लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम साइन थीटा का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, जब यहाँ पर वन है किसी भी अंक के नीचे वन छिपा रहता है तो साइन थीटा से और वन में गुणा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा में वन से गुणा होगा तो साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा एक मत में डिवाइड लग जाएगा तो एक से कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब प्लस प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा में यहाँ पर कॉस थीटा का एलसीएम होगा कॉस थीटा और इसका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हम गुणा करेंगे तो ये ऊपर चलेगा तो साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का चीज है तो प्लस होगा और इसका हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा पूरा है कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम साइन थीटा से साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, जब हम इसका गुणा करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पर हमें इसके पर जैसे यहाँ पर लाने के लिए हम माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा तो साइन, जब करेंगे तो साइन माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा प्लस में इधर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का पहले माइनस का साइन थीटा है तो हम यहाँ पर साइन थीटा फिर कॉस थीटा लिखे हैं बाई। अब हम इसको एलसीएम निकाल देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम यहाँ इसका भाग लग जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा और कॉस थीटा से कट साइन थीटा बढ़ जाएगा तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो साइन क्यू थीटा माइनस यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा कट जाएगा बच जाएगा कॉस थीटा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुणा होगा तो कॉस क्यू थीटा। एलजेब्रा का फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू पर आधारित है तो हम इसको हल करेंगे। तो इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है साइन
ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए आप माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसका हम उसको अलग अलग करेंगे तो कॉस एक बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए आप कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा वन बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और मैं यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो एक बाई कॉस थीटा इंटू एक बाई साइन थीटा। यहाँ पर एक मत में एक कटा है तो प्लस का वन हो जाएगा और एक बाई कॉस थीटा का सेक थीटा ए इंटू एक बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा फॉर्मूला होता है और प्लस वन। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं यहाँ में करके एक प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहीं से हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अब कल के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन